यू आर वॉचिंग अहमदनगर सिटी चैनल। नमस्कार, मी सलोनी खिंडारे, एटीव्ही न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। आमची प्रत्येक बातमी असेल खास, त्यासाठी पाहत रहा एटीव्ही न्यूज 24 तास। सहारा फाउंडेशन ट्रस्ट व अली पब्लिक स्कूलच्या वतीने शासकीय योजना आपल्या दारी आणि आयुष्यमान भारत कार्ड शिबिराचे आयोजन सोमवार दिनांक 13/11/2023 रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 दरम्यान बागवान कॉम्प्लेक्स बन्सी महाराज मिठाईवाला समोर रामचंद्र खुंट येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। आयुष्यमान भारत कार्डचे वाटप हाजी शौकत तांबुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या शिबिराचा लाभ घेतला। यावेळी हाजी शौकत तांबुळे, अजीम राजे, अंजर खान, डॉक्टर इम्रान शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते। अस्सलाम वालेकुम। आज आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है, 5 लाख तक के इंश्योरेंस वाला कार्ड जो है, उसका ये आज ये तीसरा प्रोग्राम है। ये आज खास करके रामचंद्रपुर इलाके के अंदर में जो बागवान कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर निसार भाई के सहकार्य से आज यहाँ प्रोग्राम दिया जा रहा है। इस इलाके में जैसे खासकर कुरेशी मुल्ला है, झिंडीगेट है, आदमपुरा है, पंजार गड्डी है, शनी गड्डी है। इस इलाके के खास करके रामचंद्रपुर इलाके के लोगों ने आकर यहाँ फ़ायदा उठाया, काफ़ी गर्दी की है और फिर भी ज़्यादा हो चुकी है अलहमदिल्ला, और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये तीसरा प्रोग्राम है, इसके बाद में इंशाल्लाह हम सरजीपुरा वगैरह इस सबसे इलाके में प्रोग्राम ले रहे, नगर अहमदनगर शहर के अलग अलग इलाके में ले रहे। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो कुछ सरकार की योजनाएं होती है वो आवाम तक पहुँचना, उसके अंदर अवेयरनेस ला कर देना है, उनको समझाना है कि स्कीम है। हालांकि स्कीम निकली है 5 साल हुए तकरीबन, लेकिन इस स्कीम का फ़ायदा हमारे आवाम नहीं ले पा रही है। उसके लिए हमने खास करके शक्ल सूरत पैदा हो गई थी कि आवाम के अंदर में इस तरीके से अवेयरनेस लिया जाए, और उस तहत आज ये तीसरा प्रोग्राम लिया जा रहा है। और उसके माध्यम से समझो ये लोगों को जो कुछ सरकार के पास टैक्स बढ़ते हैं और जो कुछ सरकार की स्कीम है, ये कोई किसी ने किया कि उसके ऊपर हिस्सा नहीं है, बल्कि एक आवाम का हक होता है सरकार के पास में, वो ये हक है। और इसमें कोई अमीरी और गरीबी का मसला नहीं, ये कार्ड सबके लिए बनता है और बनना चाहिए भी। और ये जो जिन लोगों ने राशन लिया है और राशन लेते रहते तो उनके कार्ड आसानी के साथ में पहले आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुके। अब जिन लोगों के आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं जो रेशन कार्ड, उनके हम कोशिश करके उनको लिंक करके देने वाले ताकि उनके भी कार्ड बने। अहमदनगर इलाके के लिए विधानसभा मतदान संघ में 90,000 कार्ड तक आज लिंक हो चुके हैं सर्व समाज के। अब हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्ड लिंक भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठा दे, इस तरीके से कोशिश है। आप भी लोग इसके बाद में जावे प्रोग्राम रहेगा, ये सारा फाउंडेशन अली पब्लिक स्कूल और उनके जानिब से प्रोग्राम अहमदनगर शहर में जगह जगह ले जा रहा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप सहकार्य करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय प्रमुख मार्गदर्शक हाजी शौकत भाई तांबुळे यांच्या नेतृत्वाखाली सहारा फाउंडेशन ट्रस्ट व अली पब्लिक स्कूलच्या वतीने आयुष्यमान भारत कार्ड शिबिरचे आयोजन आम्ही करत आहे। या आयोजनाचे यावेळी शिबिर नंबर 3 आहे। शिबिर नंबर 1 नवी पेठ या ठिकाणी अतिशय उत्तम प्रतिसाद भेटला, त्याबद्दल आम्ही सर्व नागरिकांचे आभार मानतो। त्याचप्रमाणे शिबिर नंबर 2 मुकुंदनगर भागात झालं, त्याही ठिकाणी चांगला प्रतिसाद भेटला। आज रामचंद्रपूर या ठिकाणी आयुष्यमान भारत कार्ड शिबिरचे आयोजन करण्यात आले, यालाही चांगला प्रतिसाद भेटत आहे। यापुढं शिबिर नंबर 4 रहमत सुलतान हॉल या ठिकाणी आम्ही आयोजन करण्यात येणार आहे। तरी नागरिकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणे यामध्ये सहभाग नोंदवावा अशी मी विनंती करतो। अरे एवढ्या वेळेपासून काय लिहितोयस? अगं सारे प्रोडक्ट्स जे मी सॅमसंग फॅब ग्रॅब फेस्ट मधून विकत घेईन। एवढी मोठी लिस्ट? जर ऑफर्स इतके सारे आहेत तर लिस्ट पण मोठी असणारच ना। या फेस्टिव्ह सीझन मध्ये मिळवा अप टू 27.5% कॅशबॅक, फ्री गॅलेक्सी S23 अल्ट्रा सिलेक्टेड टीव्हीज वर स्पेशल बेनिफिट्स 21,000 पर्यंत, फ्री प्रोडक्ट इन्शुरन्स आणि खूप काही। व्हिजिट करा सॅमसंग स्मार्ट प्लाझा, राम एजन्सी, मार्केट यार्ड, नवी पेठ, सावेडी, अहमदनगर, आणि मिळवा अमेझिंग फॅब ग्रॅब फेस्ट ऑफर्स। अटी लागू।